दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ए टू जेड एग्रीकल्चर एडवाइज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा सेजेंटा कंपनी की मिनेक्टो एक्स्ट्रा इंसेक्टिसाइड के बारे में। ए टू जेड पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन जरूर कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल की। इसके अंदर आपको दो टेक्निकल का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, सेंट्रा नीलीप्रोल 16.9%, लूफानियोर्न 16.9% SC फॉर्म में देखने को मिल जाता है। SC मतलब सस्पेंशन कंसंट्रेट, ये कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है और इसके अंदर आपको ट्रांस लेमिनार एक्शन भी देखने को मिल जाता है, यानी कि ये पत्तों के आर पार हो जाता है और जो कीट पत्तों के नीचे छिपे होते हैं ये उनको भी ख़त्म कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं ये आपकी फसल में कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। तो ये आपकी फसल में लीफ फोल्डर को, थ्रिप्स, एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाई, वॉलवर्म, लीफ माइनर और ये सभी प्रकार के चूसने और चबाने वाले तथा इल्लियों को भी बहुत ही प्रभावी रूप से और बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसका प्रयोग कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं। तो धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, गन्ना, कपास, मिर्च, जैसी, यानी कि आप इसका प्रयोग लगभग सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके रिजल्ट टाइम की तो वो आपको लगभग 15 से 20 दिन तक देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉम्बिनेशन की। तो आप इसका कॉम्बिनेशन किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ, किसी भी फंगीसाइड के साथ और किसी भी टॉनिक के साथ कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप इसका प्रयोग फसल की कौन कौन सी स्टेज में कर सकते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग की स्टेज हो या फ्रूट की हो या ग्रोथ की हो, यानी कि आप लगभग फसल की किसी भी स्टेज में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज की। तो वो आपको लेनी है 20 ml पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो वो आपको 20 ml का पैक 450 रुपये से लेके 500 रुपये तक मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और ऐसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना है।